Premature feuds. ये सही है यार, premature feuds. तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हो 3DX चेतन है. आज डेफिनेटली हम प्री मैच्योर फ्यूड्स के बारे में बात करेंगे. बेसिकली प्री मैच्योर मतलब जो बहुत ही जल्दी खत्म हो गई, मतलब जैसे ही शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई वाली राइवलरीज, जिसमें अगेन हम दो राइवलरीज को स्किप करेंगे ताकि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी थी. जिसकी शुरुआत ही रखिए शार्लेट फ्लेयर वर्सेज एलेक्सा ब्लिस की राइवलरी से. एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेज एलेक्सा ब्लिस की राइवलरी ऐसा लगता है कि यार पहली बात तो ये हुई कब, और दूसरी बात डज एनीबॉडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस. टू बी ऑनेस्ट आई वाज, बिकॉज ये 2016 और 17 का टाइम था ना जब एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर दोनों अलग अलग ब्रांड्स में छा रही थी एज सिंगल सुपरस्टार्स, बट एज हील दोनों के पास चैंपियनशिप थी. तो हर कोई चाहता था कि हाँ इनके बीच राइवलरी भी देखने को मिले, जो कि अभी रिसेंट में भी देखने को मिली, और शायद इनके बीच सर्वाइवर सीरीज मैच भी हुआ था क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट एनीवेज जो अभी रिसेंट में सितंबर के आसपास इनके जो बीच राइवलरी देखने को मिली थी, जिसमें ऑफकोर्स एलेक्सा ब्लिस का नया लुक देखने को मिला था, जो कि मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों को याद भी है कि हाँ ऐसा कुछ भी देखने को मिला था, बट हाँ ये मैच भी हुआ था. एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता अगर ये एलेक्सा ब्लिस का वो वाला गिमिक होता ना, वो कौन सा था, लिटिल मिस ब्लिस वाला, तो शायद मेमोरेबल होता. हाँ ये होता, बट हाँ ये वन ऑफ द फ्यूड्स जो कि बहुत जल्दी खत्म हो गई और काफी फॉरगेटेबल भी रही. अगला रखा है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर. यार ये तो देखो खैर किस्मत का खेल था इसमें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये वाली राइवलरी लंबी खींच सकती थी, बट सिंस देयर वाज नो ऑडियंस, ब्रॉक लेसनर को भी शॉक लगा होगा कि यार ये मैं कहां लड़ने आ गया, मैंने ये क्यों हाँ कर दी. बट अब तो लड़ना ही था क्योंकि रॉयल रंबल से ही बिल्ड चल रहा था. ड्रू मैकइंटायर ने लेसनर को जो एलिमिनेट किया था उसके बाद से ऑफकोर्स लेसनर वर्सेज मैकइंटायर देखने को मिलने वाला था रेसलमेनिया में, जो कि देखने को भी मिला. एंड सोचो अगर लेसनर हार रहा है किसी से एंड ही इज नॉट गेटिंग रीमैच, That means there's something wrong with it. And I still don't understand कि क्यों लेसनर जो इस चीज़ को acknowledge नहीं कर रहा है. I'm still waiting for the day जिस दिन लेसनर ये चीज़ acknowledge कर लेंगे कि भैया मुझे मैकइंटायर से बदला लेना है, रोमन से नहीं. रोमन was not. ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे ना इतनी तेज क्लेम और पड़ गई होगी कि बेचारे हारने के बाद लेसनर को ये लग रहा होगा कि मैं रोमन रेंज से कैसे हार गया, तो उनके दिमाग में अभी भी वो रोमन वाला ही कीड़ा घुसा हुआ है. बट हाँ मैकइंटायर वर्सेस लेसनर स्पेशली आज के सिनेरियो में, ओ मैन आई वुड लव टू सी, स्पेशली पॉल हेमन अगर लेसनर के साथ है, दैट मीन्स हेमन एंड लेसनर आर हील नाउ. एटलीस्ट रोमन की फ्यूड के बाद तो ये दोनों हील ही रहेंगे, तो ऐसे में मैकइंटायर वर्सेस लेसनर ऑडियंस के लिए बहुत बढ़िया ट्रीट होगी. अगला भी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है. यार देखो ब्रॉक लेसनर के सारे छोटे छोटे मैचेस क्यों हैं, इतना क्यों प्री मैच्योर कर रखा है ब्रॉक लेसनर ने. बट हाँ ब्रॉक लेसनर वर्सेज सेमोई जोई, ओ 2017 का टाइम याद आ गया जब इकलौता ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर में इन दोनों के बीच मैच देखने को मिला था. एंड मेरे को वो पेपर व्यू इसीलिए भी याद आता है क्योंकि नाम था ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर और दोनों की बॉल्स लाल हो गई थी, लाल नहीं पर्पल बॉल्स. अरे यार तुम तो डबल मीनिंग ले गए, बॉल्स मतलब उनका फेस. यार वो देखा था जब रॉ में आई थिंक समोआ जो ने लॉक दे दिया था ब्रॉक लेसनर को, तो ब्रॉक लेसनर पर्पल पड़ गए थे. एंड जितनी इंटेंस इनकी राइवलरी हो गई थी ना, मेरे को तो लग रहा था कि भाई ये तो अलग ही लेवल पे जाने वाला है, डिस्ट्रक्शन भाई. बट आई डोंट नो कि ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर का नंबर्स देख के शायद WWE ने डिसाइड किया कि ओ शिट ये तो काम नहीं कर रहा, हमें इसको दोबारा से नहीं करवाना चाहिए. जबकि लेसनर वर्सेस समोआ जो वॉज ग्रेट वेन इट कम्स टू मैच, वेन इट कम्स टू राइवलरी, एंड वेन इट कम्स टू सीइंग दीज टू ऑन द सेम रिंग. और प्रोमो बैटल भी, तो यार प्रोमो बैटल बिटवीन समोआ जो पॉल हेमन तो क्या ही एपिक हो सकता था अगर इसको थोड़ा और लंबा खींचते तो. बट नहीं, हमें रोमन को भी डालना है. एनीवेज अगले दो स्किप करते हुए सीधा बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पर, जिसमें है द शील्ड वर्सेस वाइट फैमिली. ये तो हमारे घर की फेवरेट राइवलरी हुआ करती थी उस टाइम पे, बिकॉज दोनों ऐसी टीम्स थी जिनको शिद्दत से हेट करते थे, क्योंकि शील्ड भी हमारे फेवरेट सुपरस्टार को बजा जाती थी, वाइट फैमिली भी बजा जाती थी. बट देन हुआ क्या, इनके बीच ही लड़ाई हो गई. ओहो ये तो देखने वाली बात थी, क्योंकि इसमें तो विन विन सिचुएशन थी, कोई तो एक अपनी जिसको हम हेट करते हैं वो हारने वाली थी. बट हाँ द शील्ड इवेंचुअली फेस टर्न हो चुका था वहां पर उनका, एंड इनके बीच जो एलिमिनेशन चेंबर में मैच देखने को मिला था, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैचेस जो इनके बीच देखने को मिला. एंड उस मैच ने ये प्रूव किया था कि शायद इनके बीच और भी ज्यादा लंबी राइवलरी चलनी चाहिए थी. बट ऑफकोर्स ब्रे वाइट को जॉन सीना से जो लड़ना था रेसलमेनिया में, तो उन्होंने कहा कि हटो यार हम बड़ी मछली पे हाथ मारेंगे. उस टाइम पे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इनके बीच लंबी राइवलरी और चलनी चाहिए थी, अब उस टाइम पे क्या ही अकल थी. बट नाउ आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो तो आपको लगता है कि ओ हाँ ये और लंबी खींच सकती थी और हमें डेफिनेटली मजा आता.
अगला इन्होंने रखा एज वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अब ये थोड़ा लिमिट आप क्रॉस कर। एज वर्सेस एल्बर्ट, ओ माय गॉड। सी आई नो द रीजन, एज को इंजरी हो गई थी इसीलिए वो जो अगला एक्सट्रीम रूल्स में मैच था जैसे कि रेसलमेनिया में, तो एज ने हरा दिया था डेल रियो को, फिर दोबारा से मैच होने वाला था बट इंजरी की वजह से क्रिश्चियन से लड़ना पड़ा था। बट हु द एफ वॉन्ट्स एज वर्सेज एल्बर्टो डेल रियो अगेन फॉर द वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप, एटलीस्ट आई डोंट, तो इसीलिए मैं इसको इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। प्लीज डोंट हेट मी इफ यू आर एल्बर्टो डेल रियो फैन। अब जरूरी थोड़ी है कि इंजरी की वजह से फ्यूड छोटी हो गई तो भाई हम ऐसे सोचे कि अरे क्या क्या हो सकता, कुछ नहीं होता भाई। फालतू की उम्मीदें रखना बेकार है। अगला है द रॉक वर्सेज हल्क होगन। यार इसके बारे में तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता बट हाँ, एज मच एज आई नो कि इनके बीच जो मैचेस देखने को मिले थे नो वे आउट में एंड उसके पहले जो देखने को मिला था रेसलमेनिया में, बेसिकली 2-0 से रॉक चल रहे थे, दोनों बार होगन को हरा दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर थर्ड में, क्योंकि थर्ड में मुझे नहीं लगता कि लगातार तीन बार रॉक को जिताते, अगर तीन बार हो जाता और होगन लास्ट में जीत जाते देन इवेंचुअली वो ऐसे याद किया जाता है कि ओ होगन ही बढ़िया थे उस राइवलरी में, जबकि दो मैचेस तो द रॉक ने ही जीते थे। तो फॉर मी आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि द रॉक वर्सेस होगन का तीसरा मैच भी होना चाहिए था। वैसे भी आइकॉन वर्सेस आइकॉन के ऐसे मैचेस इतने ज्यादा क्यों करवाने हैं तुम लोग को भाई, भाई ऐसी ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर का, भाई तीन बार तो रेसलमेनिया में देखने को मिल गया था जो कि लास्ट का एंड ऑफ एन एरा था, लेकिन उसका एंड ऑफ एन एरा भी दोबारा देखने को मिल गया सऊदी अरेबिया में या फिर शायद ऑस्ट्रेलिया में था ना वो सुपर शोडाउन, तो ऐसे ही जॉन सीना वर्सेस द रॉक का भी दोबारा हो गया था। Once in a lifetime को बनाया, twice in a lifetime. तो I think Rock versus Hogan was perfect with two matches. अगला इन्होंने Ultimate versus Hulk Hogan का रखा है। Again no clue whatsoever, but हाँ इतना पता है कि लोग उस time पर बट गए थे क्योंकि दोनों की fan following huge थी और दोनों huge baby faces थे, तो लोगों को predict करना मुश्किल था कि भाई Hogan को pick करें कि Ultimate Warrior को। एंड अगर इनकी फ्यूड छोटी रही है देन हु केयर्स, भाई मैं तो पैदा भी नहीं होता उस टाइम पे। एंड फाइनल रखा है सीएम पंक वर्सेस रॉक। एग्जैक्टली सीएम पंक वर्सेस रॉक होना चाहिए था रेसलमेनिया 29 जो कि हो गया जॉन सीना वर्सेस रॉक। नहीं भाई, सीएम पंक ने अपनी चैंपियनशिप हारी है द रॉक से, तो आई मीन द रॉक का मैच बनता है सीएम पंक से, बट अगेन जॉन सीना ने जो अपने रॉयल रंबल का क्लॉज था वो सीएम पंक के अगेंस्ट डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम जीत गए तो तुम लड़ लोगे द रॉक से, एंड क्लियरली वहां पर सीएम पंक हार गए, तो फिर इसमें देखो गलती जॉन सीना की भी नहीं है भाई, उन्होंने तो अपना काम किया, उन्होंने तो अपने रंबल टाइटल डिफेंड पे लगाया था। बट अगेन लाइक क्रिएटिव वाइज तो आई थिंक ट्रिपल थ्रेट भी बनता ना तो भी अच्छा लगता, लाइक पंक वर्सेस रॉक वर्सेस सीना, तो पता ही क्या करते हैं फिर रेसलमेनिया 30 में रखते हैं जॉन सीना वर्सेस रॉक, बिकॉज लास्ट ईयर सीएम पंक ने बाजी मार दी बीच में, इस बार होगा क्लीन वन ऑन वन मैच। एनीवेज आई डेफिनेटली लाइक द राइवलरी, स्पेशली अगर हम कंसीडर करें कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंक वर्सेस ऑस्टिन की राइवलरी देखने को मिलेगी जिस तरह से इनके बीच बैक स्टेज हीट्स हो रही थी एंड WWE 13 के जो वो प्रोमोस निकल रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था ओह शिट इनके बीच क्या रेसलमेनिया में मैच होगा, पर अगर ऑस्टिन वर्सेस पंक नहीं हुआ तो रॉक वर्सेस पंक ही चलता हमें, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिला। बट या इट वॉज डेफिनेटली एन आइकॉनिक प्रोग्राम जो भी इनके बीच हुआ। एनीवेज कोई ऐसी राइवलरी आप कमेंट्स में लिखकर बताओ जो कि आपके हिसाब से आपको बहुत अच्छी लगी लेकिन वो बहुत कम टाइम तक ही चली, कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेस्टलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया, पर समय की मार है या मेहनत की हार है, खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेस को इसने RKO